गाइस, वेलकम टू माय चैनल माउस लाइफस्टाइल। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। चलिए गाइस, आज के वीडियो में ड्राइव करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नाविक के सिस्टम के बारे में। जी हां, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि नाविक जो सिस्टम है इसको लॉन्च करने का कारण क्या है, इसके ऊपर कितने का सैटेलाइट है, इसका डेवलपिंग कॉस्ट कितना होगा, वो सारा का सारा वीडियो मैंने एक डिटेल्स को एक वीडियो में बोला है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नाविक के बारे में ज्यादा जानना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को चेक कीजिएगा, उस वीडियो को चेक कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा डिस्क मिल जाएगा। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपना जो नाविक का जो सिस्टम है वो अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, एक बात है, आप अपने हर एक फोन के अंदर जो नाविक का जो सिस्टम है, जो जीपीएस का सिस्टम है, वो हर एक फोन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक फैक्ट है, ये जो नाविक का जो सिस्टम है एक कुछ कुछ प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड होकर आता है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट कुछ फीचर होते हैं जिसके वजह से नाविक जो सैटेलाइट्स है वो आपके फोन के प्रोसेसर से कनेक्ट होकर आपको बेटर नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा जीपीएस से अलग। जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, वो फुलफिल इंटरनेशनल है, और जो नाविक है वो इंडिया का लॉन्च किया गया है। तो गाइस, हम सब इंडियन है, हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश का खुद का जीपीएस सिस्टम है, तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है। तो गाइस, चलिए बात करते हैं कि ये नेविगेशन सिस्टम जो है, ये नाविक एनएवी नेविगेशन विद इंडियन कंसलटेंट, इसके बारे में ये किस किस फोन में सपोर्ट करेगा और कैसे ये काम करता है। तो गाइस, ये नाविक जो सिस्टम है ये अभी तक जिस जिस पोजिशन में अवेलेबल है, मैं आप सबको उनका एक लिस्ट बोल देता हूँ, आप सबको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि देखिए, स्नैपड्रैगन A65, स्नैपड्रैगन 720G, स्नैपड्रैगन 662 एंड स्नैपड्रैगन 480। जी हाँ, इन चारों प्रोसेसर के अंदर नेविक का जो सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, इन फोन के अंदर आप अपना जो नेविक का जो सिस्टम है इसको आप यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास रियलमी का कोई फोन है, समझ लीजिए रियलमी 6i, या फिर अगर आपके पास रेडमी का भी फोन है तो फिर आप उसके मदद से भी इस नेविक सिस्टम को एक्टिवेट कर पाएंगे। और ये गाइस जो है, ये दावा करता है कि हमारे इंडिया में तो आपका जो जीपीएस का जो एक्यूरेसी है और जो रियल टाइम इमेज है वो आपको बेटर प्रोवाइड करेगा। देखिए एक बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके नाविक का टोटल 9 सैटेलाइट्स हैं और उनमें से एक सैटेलाइट फेल हो गया। टोटल 8 सैटेलाइट्स हमारे इंडिया के ऑर्बिट के ऊपर 3600 किलोमीटर ऊपर से एक गाइड कर रहा है, और ये कम से कम आपको दिखाता जा रहा है कि आपका पोजीशनिंग क्या है और आपका एक्यूरेसी क्या है। देख, तो गाइस एक बात तो कंफर्म है, तो अगर आप इंडिया में इसको यूज करेंगे तो आपका जो जीपीएस का जो एक्सपीरियंस है आपका रियल टाइम पोजीशन का, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस, मैं आप सबको बताऊंगा कैसे आप अपने जो फोन है वो टेस्ट कर सकते हैं कि आपका फोन नाविक जो सिस्टम है इसको एक्चुअल में सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। तो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इस ऐप का, इस ऐप का नाम है जीपीएस टेस्ट। हाँ जी हाँ, इस ऐप के मदद से आप अपना फोन से आप चेक कर पाएंगे कि आपका फोन नेविक का जो सिस्टम है इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। जी, इसके मदद से आप देख पाएंगे आपका जो फोन है वो देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड में से कौन से देश का जो सैटेलाइट है उन सबका जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उन सबको ये सपोर्ट करता है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं आप सबके लिए। तो गाइस देखिए, अब हम सबको क्या फायदा होगा कि हमारे पास खुद का जीपीएस है, और स्मार्टफोन जो कंपनीज जो है, आप ज्यादा से ज्यादा जो फोन है फोन के अंदर जीपीएस को यूज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो मार्केटिंग का जो टेक्निक्स है वो कैसे काम करेगा हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का इस इंडिया में। आपसे जितना सारा जो फोन आ रहा है, नया नया फोन, वो सारा का सारा जो फोन है वो दो चीज से इंटीग्रेट होकर आ रहा है। एक है नाविक, क्योंकि इंडिया में तो नाविक अब हाइप में चल रहा है, और दूसरा जो चीज है वो है 5G। गाइस हाँ, ये दो चीज के मदद से हमारा जो इंडिया है ये दोनों चीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं स्मार्टफोन कंपनीज, जो इसके मदद से आपका जो नया फोन जो आप लेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा 5G का, और उसके बाद आ जाएगा आपका नाविक सिस्टम का भी। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है, और इसका जो मार्केटिंग है बहुत ही अच्छा। लेकिन एक और बात, नाविक का सिर्फ 9 सैटेलाइट्स है, सॉरी 8 सैटेलाइट्स है जो अभी भी अवेलेबल है, और 5 अभी भी लॉन्च होना बाकी है। तो गाइस एक और बात, अमेरिका का जो है, जो डिफेंस पोजीशन अमेरिका का है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसकी मदद से आप जो पूरे वर्ल्ड में किसी की जगह का आपका जो जीपीएस सिस्टम है उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपका पोजीशन रियल टाइम इमेज, रियल टाइम आपको इमेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो पोजीशन है एक्यूरेट पोजीशन वो आपको मिल पाएगा। तो देखिए कैसे है नाविक सिस्टम अमेरिका के जीपीएस से बेटर है, ये तो कुछ दिन बाद ही आप सबको पता चल जाएगा कि बहुत सारे फोन जब लॉन्च हुए, बहुत से नहीं, 2-4 फोन तो लॉन्च हो गए हैं, रियलमी 6 और 6i और रेडमी का नोट 9 सीरीज, तो ये फोन सारे तो लॉन्च हो गए हैं। बहुत जल्द हम सबको पता भी चल जाएगा कि नाविक सिस्टम अमेरिका का जीपीएस सिस्टम से कितना ज्यादा बेटर है। तो गाइस देखिए, जब कारगिल वॉर हुआ था तब से ये पता चल रहा है कि इंडिया ने अमेरिका के पास रिक्वेस्ट किया था कि रियल टाइम इमेज और रियल टाइम जो इमेजिंग पोजीशन है उन सब के बारे में रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अमेरिका ने ये देने में पूरा का पूरा डिक्लाइन कर दिया था। उसके बाद से इसरो ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काज किया। और देखिए एक बात,
अब जो ये प्रोजेक्ट जो है लगभग कमिट हो गया है, और ये बोथ साइड हमारे आम जनता के लिए भी और जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का उन सब के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल कर दिया गया है अभी तक। तो देखिए अब तो ये हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि हमारे पास अपना खुद का कोई एक GPS सिस्टम होगा, खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा। तो देखिए आगे वाले कोई टाइम पे जब इंडिया में शायद कोई जंग वंग छिड़ जाए तो हमारा जो नेविक सिस्टम है, ये नेविक सिस्टम का जो फायदा होगा बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है। तो गाइस चलिए वीडियो तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप सब वीडियो से कुछ फायदा मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले बार से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप सबका वीडियो से कुछ अगर फायदा हुआ तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मोटिवेशन मिलता है।